आजाद भारत में 2014 का ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें आउटगोइंग सरकार के खिलाफ नफरत है, घृणा है, उनके भ्रष्टाचार और घोटालों के कारण सारा देश उनसे परेशान हो चुका है। लेकिन एक ही चुनाव में एक साथ एक सरकार के खिलाफ घृणा और दूसरी आने वाली सरकार, उसके लिए उत्साह की पराकाष्ठा, आने वाले प्रधानमंत्री के लिए घर घर, जन जन, मन मन, हर जगह केवल एक ही नाम हो और देश का हर व्यक्ति आने वाले प्रधानमंत्री के लिए इतना ज्यादा उत्साहित हो। एक ही समय में एक सरकार के खिलाफ नेगेटिविटी और उसी समय में एक आने वाली सरकार के खिलाफ, सरकार के पक्ष में एक्सट्रीम पॉजिटिविटी। अब क्योंकि इस चुनाव में वो दोनों चीजें साथ साथ हैं, इसलिए मैं आपको ये आज कहना चाहता हूं कि इस 2014 के चुनाव के नतीजे आप प्रकाशित होंगे, ये 1947 से लेकर 2014 तक देश में जितने भी चुनाव हुए हैं उन चुनावों के नतीजों में शायद ये सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला 2014 का चुनाव होगा। आज जब मैं यहां आपके बीच में आकर खड़ा हुआ हूं तो मुझे भी पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के साथी के रूप में उनके और साथ में वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर दिल्ली की चांदनी चौक सीट से लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए कहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि चांदनी चौक में ही आकर नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद 15 अगस्त 2014 को लाल किले पर ध्वजारोहण करने वाले हैं। दोस्तों, भारत की राजनीति में अभी जितनी भी पार्टियां काम कर रही हैं, मुझे लगता है कि ये चुनाव दैवी शक्तियों और आसुरी शक्तियों के बीच का चुनाव है। आसुरी शक्तियों के प्रतीक के रूप में यह तो उसके माथे पर 1,86,000 करोड़ रुपए के कोयले के घोटाले का दाग लगा है, उनका मुंह काला हुआ हुआ है। जनता के बीच में जाने की उनको हिम्मत नहीं है। उनका मंत्री है, उनका मुख्यमंत्री है, उनके प्रधानमंत्री है, एक लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़ दे तो शायद सभी प्रधानमंत्रियों के समय में इतने घोटाले और शायद हर चीज का घोटाला उनके सरकारों के कार्यकाल में रहा है। उनके प्रधानमंत्री, मंत्री और मुख्यमंत्री सभी इन घोटालों के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। पूरे देश में कहीं पर भी लोकमान्य तिलक की कांग्रेस नजर नहीं आती, पूरे देश में कहीं भी महात्मा गांधी की कांग्रेस नजर नहीं आती, पूरे देश में कहीं भी सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस नजर नहीं आती, पूरे देश में कहीं भी लाला लाजपत राय की कांग्रेस नजर नहीं आती। कांग्रेस पार्टी को जहां पर भी कोई राजनीतिक लाभ नजर आ जाए, जहां पर भी नजर आ जाए कि कोई वोटों का फायदा हो सकता है तो वो आतंकवाद के साथ डाइल्यूशन कर सकती है, वो नक्सलवाद के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, वो अलगाववाद के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, वो कश्मीर पर अपने स्टैंड को डाइल्यूट कर सकती है,
वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर देश को कमजोर करना, देश को बांटना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, कोई भी काम वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर सकते हैं। आसुरी शक्तियों के प्रतीक के रूप में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने जाति के नाम पर इस देश की महान सात्विकता, जिसे हम कहते हैं विविधता में एकता, उसको बांट दिया है देश को जाति के नाम पर। और वो केवल जातिवादी राजनीति करते हैं। एक पार्टी ऐसी है जिसने अभी कुछ ही दिन पहले जन्म लिया था। इस पार्टी का भी अजीबो गरीब इतिहास है। ये पार्टी अपने आप को अराजक कहने में गर्व महसूस करती है। इस पार्टी के नेता झूठ बोलने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। वो कभी संविधान का अपमान करते हैं। जिस गणतंत्र की रक्षा के लिए, जिस गणतंत्र की स्थापना के लिए हजारों लाखों क्रांतिकारियों ने देश के अंदर अपने प्राणों की बलि चढ़ाई, उस गणतंत्र का भी अपमान करने में वो कसर नहीं रखते। ये वो लोग हैं जिनकी तारीफ कर करके मीडिया ने उन्हें एक जमाने में भगवान बताया, सारे देश की समस्याओं का समाधान बताया, तो उनको मीडिया बहुत प्रिय लगता था। अब मीडिया ने भी थोड़ा बहुत उनकी पोल खोलनी शुरू कर दी है। मीडिया ने भी लोगों को बताना शुरू कर दिया है कि उनके तार विदेशों से जुड़े हैं, ये CIA के एजेंट भी हो सकते हैं, ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के इशारे पर भी भारत में अराजकता फैला रहे हो सकते हैं। तो आज ये मीडिया के लोगों को भी जेल में डालने के लिए तैयार है। जब मीडिया 10 साल तक नरेंद्र मोदी जी को कारण क्रिटिसाइज करता था तो उनको मीडिया बहुत अच्छा लगता था। आज जब मीडिया ने भी देख लिया कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के दिल की धड़कन बन गए हैं और वो सच्चाई सारे देश को दिखाने का प्रयास करता है, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। आज मैंने अभी शाम को देखा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, वो बड़ा परेशान हो रहे थे AK-49 का नाम सुनकर। मुख्यमंत्री जी वो कह रहे थे कि राजनीति में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए। अरे आप सुबह से लेकर रात तक सारे देश को, सारे देश के राजनेताओं को, सारी दुनिया को बेवजह केवल गालियां देते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, तब आपको समझ में नहीं आता है, तब आपको यह ध्यान में नहीं आता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने आपसे कई बार कई सवाल पूछ लिए हैं। मैंने उनसे पिछले दिनों 49 सवाल पूछे, 49 उनको झूठ एक्सपोज किए। जब उनका शासन 30 दिन का हो गया था तो 30 झूठ उनको एक्सपोज किए, उनसे सवाल पूछे। उन्होंने जब दिल्ली के लोगों से 18 वायदे किए और उसके बाद वो सारे के सारे झूठे सिद्ध हुए, वो 18 सवाल पूछे, वो
और दिल्ली की विधानसभा में अनेकों प्रश्न पूछे, आज तक एक का भी जवाब अरविंद केजरीवाल ने या उनके नेताओं ने दिल्ली की जनता को नहीं दिया है।